भरतपुर रूपबास कस्बे की पंचायत समिति सभागार में प्रयत्न संस्था के द्वारा कोऑर्डिनेटर टीना चौधरी व राजेश कुमार के नेतृत्व में बाल विवाह रोको अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला विधि सेवा के प्राधिकरण अनुतोष गुप्ता थे। विशिष्ट अतिथि तहसीलदार अमित शर्मा SDM रूपबास रहे, जिसमें अतिथियों ने बाल विवाह को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। इस मौके पर सचिव आशा सहयोगिनी LS राजीविका समूह महिला सुरक्षा सखी मौजूद थी। भरतपुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। हम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में प्रयत्न संस्थान से टीना चौधरी फील्ड कोऑर्डिनेटर। हम लोग अभी जो 5 नवंबर से 12 नवंबर तक का बाल विवाह मुक्त गांव अभियान है, इसके अधीन हम काम कर रहे हैं। और आज यहां पे जो कार्यशाला हो रही है, उसमें हमारे ADR से जिला सेवा विधिक प्राधिकरण से पधारे हुए हमारे न्यायालय जज साहब आशुतोष गुप्ता जी बाल विवाह मुक्त गांव अभियान के लिए यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आई हुई सभी हमारे गांव से साथिन महिला सुरक्षा सखी और सचिव सेक्रेटरी जो स्टेक होल्डर्स हैं बच्चों के, जो बालकों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ आज की कार्यशाला का उद्देश्य है कि गांव में आने वाले समय में देवउठनी एकादशी पे जो बाल विवाह हो रहे हैं उनको रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजग किया जा सके। ग्राउंड लेवल पे इस कार्यशाला का करने का उद्देश्य यही है कि बाल विवाह को माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज हमने रूपबास में प्रयत्न संस्था के सहयोग से एक वर्कशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है बाल मुक्त विवाह अभियान। इस अभियान को हम 5 नवंबर से 12 नवंबर के बीच चला रहे हैं, जिसका हमारा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक गांव जिसमें किसी में भी बाल विवाह नहीं हो। और उसके लिए हमने यहाँ उपस्थित सभी सहयोगनियों आशा साथिन सभी आंगनबाड़ियों के साथ मिलकर, क्योंकि ये हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका अगर ये समाज में जाकर हमारे सहयोग करके अगर किसी भी बाल विवाह को रुक पा पाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही एक अपूर्ण बहुत ही मूल्यवान कार्य होगा। और हम मीडिया से भी आशा करते हैं, सहयोग करते हैं कि आप भी इसको जन जन तक बात पहुँचाएँ।